DDJ 400 वर्चुअल डीजे से तो कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी काफी दिक्कतें हैं, जैसे कि हेडफोन क्यों काम नहीं कर रहा, अफेक्ट्स ऑन कर रहा हूं सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, गाने को सिंक कर रहा हूं और गाने की आवाज चेंज हो रही है। तो ऐसी काफी सारी दिक्कतें आती है जब हम DDJ 400 को वर्चुअल डीजे से कनेक्ट करते हैं। क्या है सही तरीका बताता हूं। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल डीजे खोलना है एंड बस अपने कंट्रोलर को जैसे नॉर्मली कनेक्ट करते हैं वैसे कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे ऐसा एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको DDJ 400 पे सिलेक्ट करना है एंड ओके दबाना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा EQ चाहिए, जो है नॉर्मल ट्रेडिशनल EQ के लिए जा सकते हो। बाकी ये जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि बाकी ये सारे EQs क्या हैं, अभी के लिए जो अपना ट्रेडिशनल EQ है उसी को ही सिलेक्ट करके रख दो और ओके कर दो। तो अब कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। तो कंट्रोलर पे जितने भी सारे जो अपने बटन्स हैं, सारे जो नॉब्स हैं, वो सब उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे रिकॉर्ड बॉक्स में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऊपर वाला जो सिलेक्टर नॉब है, अगर मैं उसको करूं तो आप देख सकते हो, तो ये जो प्लेलिस्ट है उसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं ट्रैक सेलेक्ट करना चाहता हूं तो फर्स्ट डेक पे लोड हो गया, अगर सेकंड डेक पे लोड करना है तो सेकंड डेक पे लोड हो गया। तो जैसे रिकॉर्ड बॉक्स में काम करता है एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही यहाँ पे भी काम करता है। तो यहाँ पे बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे क्यू बटन्स हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बीट लूप हो गया, बीट जंप हो गया, सैम्पलर हो गया, वो भी सब उसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एक गाना है इन द गेटो, ये क्रंक्स का एडिट है। अगर मैं यहाँ पे देखाऊँ तो ये देखो क्यू पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। अगर मैं बीट लूप पे जाता हूँ तो बीट लूप पे भी वैसे का वैसा ही है। बीट लूप पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 बीट का लूप बनाऊं, सेम। तो ऐसे भी हम बीट लूप का यूज कर सकते हैं। अगर बीट जंप करना है तो वही एग्जैक्टली जैसे रिकॉर्ड बॉक्स में था, जैसे 8 बीट 8 बीट 8 बीट। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो फीचर की, यानी कि जो अपना वाइनल ब्रेक इफेक्ट है। तो मैंने काफी ट्राई किया है जो मैं मैन्युअली करता हूं ऐसे, लेकिन इसमें टच सेंसिटिविटी यहां पे काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको ऑटोमेटिकली करना होगा सॉफ्टवेयर में जाके। तो इसके लिए पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाना है आपको यहाँ ऑप्शंस में, ऑप्शंस में यहाँ पे लिखना है रैंप स्टॉप और यहां पे इस वैल्यू को चेंज कर देना है 1 पे। तो जैसे ही आप ये 1 पे चेंज कर दोगे आपका जो ये वाइनल ब्रेक इफेक्ट चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब भी आप किसी गाने को कोई BPM पे सिंक करते हो तो उसका की बदल जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक गाना है तू आके देख ले, ये आपने सबने सुन रखा है। अगर मैं इसको प्ले करूं, लेकिन अगर मैं इसका टेम्पो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर देता हूं तो इसका की चेंज हो जाता है जो कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो इसका ओरिजिनल जो की है वही मेंटेन रहे, तो मुझे यहां पे ये एम्प्टी जो है इसको ऑन रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऑन रखूंगा फिर मैं BPM थोड़ा बहुत भी चेंज करता हूं तो गाने की जो की है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, गाने का की ऊपर नीचे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो बस ये एम्प्टी वाला जो बटन है इसको ऑन कर दो और गाने में जो की चेंज का जो प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं EQ की, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ EQ मिलता है। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल EQ, लेकिन अगर मुझे EQ को चेंज करना है और स्टेम्स वाला EQ चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है मुझे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में ऑप्शन में यहाँ पे मुझे लिखना है EQ। तो EQ में जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे EQ मोड आ जाएगा और काफी सारे EQ के मोड्स आ जाएंगे। तो हमने जो अभी सेलेक्ट कर रखा है वो है जनरल फ्रीक्वेंसी वाला। अब मैं इसको इजी रिमिक्स वाला कर दूंगा तो यहां पे स्टेम्स वाले EQ आ जाएंगे। तो अगर मैं सपोज जैसे कि गाना यहां पे चेंज कर देता हूं और फिर मैं आपको सुना देता हूं, जैसे ये गाना है तेरा बन जाऊंगा। तो इस EQ की क्या खासियत है कि हम एकपेला आसानी से बना सकते हैं बाय यूजिंग दीस नॉब्स। कैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि अगर मैं सपोज देखो म्यूजिक म्यूजिक हटा दिया, सिर्फ बीट चाहिए बीट ऐसे। तो ऐसे मैं बस इन तीनों नॉब्स को यूज करके मैं इसका एकापेला एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और इसे किसी और गाने के साथ मिक्स कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम यहां पे ही आती है कि ये क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं प्रोफेशनली कहीं क्लब्स या फेस्टिवल्स में अगर मुझे ये प्ले करना हो तो मैं इसको प्ले नहीं करूंगा,
क्योंकि जब भी हम एकापेला किसी भी गाने से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है, जो यहाँ पे हो नहीं रहा, जिसकी वजह से एकापेला इतना अच्छा साउंड नहीं करता। तो हाँ, काम चलाओ फीचर है, लेकिन एज सच मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। अब बात करते हैं सैम्पलर की, तो सैम्पलर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिकॉर्ड बॉक्स में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक गाना प्ले करता हूँ, ये है इन द एंड का क्रंक्स का एडिट है। तो अगर मैं सपोज ये गाना प्ले करूँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सैम्पलर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स एंड फंक्शन है बिल्कुल रिकॉर्ड बॉक्स के जैसा ही है, बस जो थोड़े बहुत जो फर्क आता है वो इफेक्ट्स की क्वालिटी और उन सारी चीजों में आता है। वो 19-20 का फर्क होता है, वो नॉर्मल इंसान को वो पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बहुत टाइम से डीजेइंग कर रहे हो और आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला रखे तो ही आप वो फर्क पकड़ सकते हो। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ये जितने भी क्यूज है, यानी कि जो अपना ये ट्रैक का क्यू हो गया और मास्टर क्यू हो गया, ये सारा ढंग से काम नहीं कर रहा। और अगर मैं जब प्ले कर रहा हूं तो मेरे लैपटॉप से भी ऑडियो नहीं आ रहा। तो इसका क्या सलूशन है? आपको जाना है पहले सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाना है ऑडियो में, ऑडियो में आपको सेलेक्ट करना है पायनियर डीडीजे 400, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे जो जाना है, यहां पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहां मास्टर आ गया और इसको यहां पे रियल टेक कर देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ऑडियो आउटपुट है वो आपके लैपटॉप से भी आने लग जाएगा। उसके बाद एक और ऐड करना है और इसको ऐड करना है हेडफोन्स पे, ठीक है, उस पे, और इसको करना है डीडीजे 402 और चैनल यहां पे करना है 3 और 4। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके इंडिविजुअल चैनल क्यूज है वो आपको यहां हेडफोन आउटपुट पे मिल जाएगा। बस अप्लाई पे क्लिक कर दो और यहां पे ये हो गया। अब प्ले करके देखते हैं, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत। तो बस ये सेटिंग चेंज करो और आपका प्रोबेबली ऑडियो का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को जो हमने किया इसको हम बोलते हैं ऑडियो राउटिंग। अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हो तो आप लिख दो बस गूगल पे ऑडियो राउटिंग इन वर्चुअल डीजे, आपको इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोस, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो अगर आपको इन डेप्थ जानना है इसके बारे में तो आप वहां जाके सीख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज जो हमारा इफेक्ट सेक्शन पे जो प्रॉब्लम है। तो वर्चुअल डीजे में एक प्रॉब्लम जो ये है कि सपोज जैसे कि यहां पे मैं सेकंड डेक का जो है इफेक्ट चालू कर रहा हूं, ठीक है, और अगर मैंने यहां पे डेक को चेंज कर दिया तो आप देख सकते हो ये जो इफेक्ट है वो सेकंड डेक पे ऑन ही रहेगा। फिर अगर मैं फर्स्ट डेक पे भी यहां पे इफेक्ट लगाऊं तो आप देख सकते हो दोनों डेक पे इफेक्ट ऑन है। और फिर अगर मैं इसको मास्टर पे कर देता हूं तो यहां पे जो अगर मैं मास्टर का देखूं तो ये देखो मास्टर का भी इफेक्ट ऑन हो गया। तो तीनों डेक पे अलग अलग इफेक्ट्स ऑन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ही इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स अप्लाई होने लगता है। तो कभी भी अगर आप वर्चुअल डीजे के साथ डीडीजे 400 चला रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने किसी चैनल पे इफेक्ट डाला है तो पहले उसको बंद करना है फिर ही दूसरे चैनल पे पढ़ना है, बंद करना है फिर ही दूसरे चैनल पे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फर्स्ट चैनल पे यहां पे कोई इफेक्ट लगा रखा है, जैसे कि अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट लगा रखा है और अब मुझे चैनल चेंज करना है, दैट इज सेकंड डेक पे जाना है, तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट डेक का इफेक्ट बंद करना होगा फिर ही सेकंड डेक पे जाना होगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो फर्स्ट डेक पे इफेक्ट जो है वो ऑन ही रहेगा, जबकि रिकॉर्ड बॉक्स में ऐसा नहीं होता। तो ये एक इशू है, होपफुली वर्चुअल डीजे इसको आगे आने वाले अपडेट में फिक्स कर देगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आप वर्चुअल डीजे को अपने किसी भी पसंदीदा सॉफ्टवेयर में बदल सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड बॉक्स हो गया, सराटो हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कोई भी अपना पसंदीदा सॉफ्टवेयर है आप वर्चुअल डीजे को उस सॉफ्टवेयर में बदल सकते हैं। कैसे, मैं करके दिखाता हूं। बस यहां पे सेटिंग्स में जाना है, यहां पे इंटरफेस पे क्लिक करो और इंटरफेस पे यहां क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड बॉक्स प्रीमियम एडिशन 4 सिलेक्ट करो। बाकी ये देखो अब डिट्टो रिकॉर्ड बॉक्स के इंटरफेस जैसा ही है, यहां पे एक्सपोर्ट मोड, सारी चीजें हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये मैंने कैसे किया तो अभी जो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उस पे क्लिक करो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से डायरेक्टली डीजेइंग सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार जरूर से चेक कर लेना।